इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी, उनकी बहू, उनकी बेटी, उनके पीए समेत 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, जीतन राम मांझी और उनके परिवार को कोरोना का जो प्रकोप है वो पड़ चुका है। और अभी दानिश रिजवान जो हम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी। और क्या कुछ कह रहा है दानिश रिजवान, पहले आप वो सुने। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी जी और उनके परिवार के कुछ सदस्य सर्दी, जुकाम, बुखार से परेशान थे, जिसको ध्यान में रखते हुए कल उनके परिवार के सदस्यों ने सुरक्षा कर्मियों और अपने पीएस सेल के जो लोग हैं उनके साथ कोरोना की जांच कराई, जिसमें 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें से आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उनकी पत्नी शांति देवी, उनकी बेटी पुष्पा मांझी, उनकी जो बहू हैं दीपा मांझी जी और उनके जो पीएस है गणेश पंडित, सहित 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तमाम लोग जीतन राम मांझी जी के गांव महाकार में सेल्फ आइसोलेशन में है। इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तमाम लोग सुरक्षित हैं। तो आपने सुना, दानिश रिजवान ने साफ तौर पर बताया कि जीतन राम मांझी और उनका परिवार पिछले दिनों लगातार सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से परेशान था, जिसके बाद कोरोना टेस्ट कराया गया पूरे परिवार का और पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कुछ देर पहले ही ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दरबार को स्थगित करने की नसीहत दी थी, और अब जीतन राम मांझी खुद कोरोना संक्रमित पाए गए। पिछले दिनों भी जीतन राम मांझी ने दलित ब्राह्मण एकता महाभोज का आयोजन किया था, जिसमें जीतन राम मांझी खुद सभी की थाली में खुद से खाना परोसते नजर आए थे। तो इस संक्रमण के बीच ये बड़ी खबर है कि जीतन राम मांझी के साथ जिन लोगों ने भी खाना खाया था उनको इस संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा है। और जो हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने नसीहत दी है कि जो भी लोग जीतन राम मांझी और उनके परिवार वालों के संपर्क में आए हैं वो सारे लोग अपना कोरोना जांच करा ले। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है एसजी न्यूज के साथ और देखते रहता है एसजी न्यूज। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएं, प्लीज कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ बालवाड़ी केंद्र द्वारा। गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं।